हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर स्टूडेंट इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र विषय का सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, आय व्यय खाता तैयार करते हैं अलाभकारी संगठन, व्यावसायिक संगठन, औद्योगिक संस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो आय व्यय खाता तैयार करते हैं अलाभकारी संगठन। दूसरा प्रश्न है, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियों को दिखाई जाती है। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियों को दिखाई जाती है आय व्यय खाता में, आर्थिक चिट्ठा में, प्राप्ति और भुगतान खाता में, सभी में। तो पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियों को दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठा में। तीसरा प्रश्न है, समझौते के अभाव में साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है। पहला दिया है 4% प्रतिवर्ष, 6% प्रतिवर्ष, 9% प्रतिवर्ष, 5% प्रतिवर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है 6% प्रतिवर्ष। चौथा प्रश्न है, यदि साझेदार के आहरण की तिथियां नहीं दी गई हो तो आहरण पर ब्याज की गणना की अवधि होती है 6 माह, 5.5 माह, 6.5 माह या 12 माह। तो यदि आहरण की तिथियां नहीं दी गई हो तो आहरण पर ब्याज की गणना की अवधि होती है 6 माह। प्रश्न क्रमांक पाँचवा है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अधिलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को न लाभ न होना, या इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारी के पुनर्गठन पर संपत्ति का लेखा करने पर होगा वर्तमान साझेदार को लाभ। छठवां प्रश्न है, यदि किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी खाता को जमा किया जाता है उसके या उसकी ख्याति के हिस्से में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक दो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं अपना हिसाब किताब खालिस्तान पद्धति से रखते हैं। तो किस पद्धति से रखते हैं? रोकड़ पद्धति से रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आय व्यय खाते की प्रकृति खालिस्तान है। तो ये प्रकृति होती है नाममात्र प्रकृति होती है, आय व्यय खाते की प्रकृति नाममात्र है। तीसरा है, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना खालिस्तान पूंजी पर होती है। साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभिक पूंजी पर होती है। चौथा प्रश्न है, साझेदारों के मध्य संबंधों में परिवर्तन साझेदारी का खालिस्तान कहलाता है, पुनर्गठन। पांचवा प्रश्न है, सामान्य लाभ से अधिक अर्जित लाभ खालिस्तान कहलाता है। सामान्य लाभ से अधिक अर्जित लाभ अधिलाभ कहलाता है। जीवन बीमा संचय कोष को खालिस्तान के पूंजी खाते में अंतरित करते हैं। जीवन बीमा के संचय कोष को साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित करते हैं। सही जोड़ी मलाइए, सही जोड़ी बनाइए। पहला दिया गया विद्यालय, तो विद्यालय का हो जाएगा गैर व्यापारिक संस्था। टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये क्या होता है? व्यापारिक संस्था होता है। पूर्व समायोजन, तो पूर्व समायोजन का मैच करेंगे भूल सुधार के साथ। क्षतिपूर्ति, त्यागी साझेदार। सर्वाधिक मूल्य, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। अधिलिखित दायित्व, चिट्ठे के दायित्व के पक्ष में। ये करेक्ट आप कर सकते हैं, मैचअप को मैच कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, प्राप्ति भुगतान खाते की प्रकृति कैसी होती है, कैसी है? प्राप्ति भुगतान की खाते होती है वास्तविक खाते, रियल अकाउंट। दूसरा प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए विशिष्ट दान किस प्रकार की प्राप्ति होती है, पूंजीगत प्राप्ति। तीसरा प्रश्न है, साझेदार का दायित्व कैसा होता है या क्या है, असीमित होता है। साझेदार का दायित्व असीमित होता है। पुनः मूल्यांकन का लाभ पुनर्गठन की दशा में किस अनुपात में बांटा जाता है, पुराने अनुपात में। पांचवा प्रश्न है, विनियोजित पूंजी पर अपेक्षित लाभ क्या कहलाता है, विनियोजित पूंजी पर अपेक्षित लाभ क्या कहलाता है, सामान्य लाभ। छठवा प्रश्न है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान पर कौन सा खाता खोला जाता है, पुनः मूल्यांकन खाता। सत्य असत्य बताइए, ट्रू और फॉल्स बताना है। भूमि भवन का क्रय
आयगत व्यय है। तो क्या है ये? असत्य। भूमिगत भवन क्रय आयगत व्यय है, ये क्या है? असत्य है। दूसरा प्रश्न है, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां आर्थिक चिट्ठे में दिखाई जाती है, सत्य। जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो चालू खाता खोलना अनिवार्य है, असत्य। चौथा प्रश्न है, पुराने अनुपात में से नए अनुपात को घटाने पर प्राप्ति अनुपात प्राप्त होता है, तो ये भी कथन क्या है? असत्य है। व्यक्तिगत ख्याति को कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति भी कहते हैं, कथन क्या है? सत्य है। संदिग्ध संचय में कमी होना फर्म के लिए हानि है, तो ये भी कथन क्या है? सत्य है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के प्रश्न 3 अंकों पर निर्धारित किए गए। अगर आप लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी के सभी प्रश्नों का हल करना चाहते हैं, सभी प्रश्नों का हल चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर स्टूडेंट को अभी किसी क्वेश्चन में अगर डिफ़िकल्टीज है तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलता रहे। पूरे अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो टेलीग्राम पर कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।